circular path is a stationary state. ओके वो कब स्टेशनरी स्टेट होती है कि जब उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ठीक है ना, या उसको हम 2πr = nλ ये एक क्वांटाइजेशन कंडीशन है उससे एक्सप्रेस करते हैं. व्हाट इज द 2πr? 2πr इज द सर्कमफेरेंस एंड इलेक्ट्रॉन यदि चल रहा है मासिव पार्टिकल तो डी ब्रोगली वेव्स होगा. तो इसमें जितनी वेव्स आएंगी इन दिस सर्कमफेरेंस ये हमेशा इंटीजर नंबर में आनी चाहिए, या तो एक आनी चाहिए, दो आनी चाहिए, तीन आनी चाहिए, चार आनी चाहिए, तो ही वो स्टेशनरी स्टेट होगी. अदरवाइज देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर. ओके उस कंसेप्ट को रियलाइज करने के लिए व्हाट वी हैव इज अ स्पीकर. ओके ये स्पीकर है, स्पीकर में आवाज आने लगी. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वेरिंग द फ्रीक्वेंसी. ये 3 kHz की साउंड, जैसे बदर की साउंड है ना, वो स्पीकर से आ रही है. ओके व्हेन आई रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, साउंड चेंज होती है. दिस इज अबाउट 1, और इसको यदि और भी कम करूं hertz. ओके तो द साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेटर है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेटर, और इससे हम यदि कोई वाइब्रेशन जनरेट करें, बिकॉज स्पीकर इज नथिंग बट ए ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है. ओके तो दीज वाइब्रेशन व्हेन दे ट्रेवल इन दिस लूप, ओके वो स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी, क्योंकि वेव्स इधर भी चलेंगी और उधर भी चलेंगी. ये पॉइंट है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड दे विल सुपरपोज एंड मेक ए स्टेशनरी स्टेट. ओके तो वो स्टेशनरी कंडीशन हमें निकालनी है यहां से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके. ओके सो व्हेन यू फाइंड दैट दिस इज वाइब्रेटिंग, तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा दिखेंगे नोड एंड एंटी नोड. ओके एंड काउंट हाउ मेनी लूप्स आर देयर, और इन लूप से और इस फ्रीक्वेंसी से वी कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप दैट 2πr = n λ. ओके चेंज द फ्रीक्वेंसी. अभी समय से है लूप कैसे नोट करेंगे, लूप यहां से देखिए इसमें नोड एंटी नोड जैसे दिख रहे हैं. जैसे ये एंटी नोड है और यहां पर नोड है. एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड. ओके सो देर आर 3 लूप्स. ये भी एंटी नोड है, बिल्कुल सामने से, सामने से देखेंगे. ठीक है तो सामने से देखेंगे तो यू विल गेट नोड एंड एंटी नोड. उनको हम कैमरे से दिखाएंगे. थ्री फोर थ्री के बाद 5 7 इस तरह से आ जाएंगे. ओके व्हेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, इसकी जो लेंथ है वो है 60 cm एंड इफ देर आर 3 लूप्स तो लैम्डा बाय 2 विल बी 20 cm. ओके
60 डिवाइडेड बाय 3, तो 20 सेंटीमीटर इज लैम्डा बाय 2, राइट? क्योंकि एक जो लूप बनता है उसका लैम्डा बाय 2 कहलाता है, ठीक है? तो फुल लैम्डा इज डबल, ओके? तो 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, न्यू लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आगे लेंथ, ओके? एंड 15 हर्ट्ज इज फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो उससे हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू एल लैम्डा, सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग इन द स्ट्रिंग, ओके? और ये तो कांस्टेंट रहती है, तो व्हेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी लैम्डा चेंज होएगा, राइट? ठीक है, व्हेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी लैम्डा डिक्रीज, हाँ वो चेंज होता है। और इसी